एमपी में अखिलेश यादव का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस को वोट मत देना। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी उतर आए हैं। कांग्रेस ने इस चुनाव में अखिलेश यादव को गले नहीं लगाया और ऐसे में अब सपा प्रमुख सार्वजनिक मंचों से खुलकर अपना गुस्सा व्यक्त कर रही है। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंदे में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हुआ? सतना विधानसभा से सपाक्स प्रत्याशी हरिशंकर तिवारी की लोडर गाड़ी, जिसमें एक तरफ प्रचार प्रसार हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लोहे की सरिया लोड का कर रहा व्यापार। सतना विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए एक्शन मोड में आई पुलिस। रविवार को एसपी आशुतोष गुप्ता के निर्देश पर सीएसपी महेंद्र सिंह चौहान की अगुवाई में पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने शहर के अलग अलग जगह पर लगाई चेकिंग। इस दौरान कोठी रोड, गड़िया टोला, सोहावल तिराहा, मैहर रोड, सतना नदी, रीवा रोड, बदखर, कृपाल पुल से निकलने वाहनों की सघनता से जाँच की गई। सतना स्मार्ट सिटी के कार्यों में हो रहा भ्रष्टाचार, वार्ड नंबर 1 में सड़क निर्माण में चल रहा भ्रष्टाचार, टॉप लेयर में M30 की जगह M10 और डस्क का किया जा रहा उपयोग। सुलभ पाठक सब इंजीनियर व टाटा कंसल्टेंसी की देखरेख में चल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने EVM वेयर हाउस पहुँच कर अतिरिक्त EVM मशीनों के FLC कार का निरीक्षण किया। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए सतना जिले में जारी स्वीप गतिविधियों के तहत शनिवार को AKS विश्वविद्यालय सतना के छात्र छात्राओं एवं स्टाफ ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा की उपस्थिति में मानव श्रृंखला के माध्यम से निर्वाचन के शुभंकर की आकृति बनाकर मतदाताओं को जागरूक करने का दिया संदेश। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के कार्यालय में जनपद पंचायत मैहर का हाल आप लोग स्वयं फोटो में देख सकते हैं। अब आप लोग खुद जनता समझदार बने और ऐसे कर्मचारियों के ऊपर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि इनका नाम रुचि मिश्रा है। यदि इनकी जगह कोई और होता तो उस पर कार्यवाही हो जाती। यातायात सतना पुलिस के द्वारा अलग अलग स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 36 चार पहिया वाहनों के खिलाफ अवैध रूप से चुनाव प्रत्याशियों के पंपलेट लगाए पाए जाने पर, मौके पर वाहनों के कागजात ना होने पर चालानी कार्रवाई करते हुए 19,400 रुपए सम्मन शुल्क वसूल किया गया। हरिजन परिवार का आरोप, कांग्रेस की सदस्यता लेना पड़ा भारी, बिजली की रफ्तार से कार्यवाही को दिया अंजाम, 2 नवंबर को जारी की गई नोटिस, आज सुबह 11 बजे चला बुलडोजर।